So today, what I have for you, today I have taken a very important critic, Paul Michel Foucault, and you will come to know ki jo Foucault the, he was a French philosopher. But why Foucault is important? Why Foucault is important from the perspective of UGC NET or the students who are preparing for UGC NET? Why? स्पेशली इन इंग्लिश वाई फूको इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो फूको थे उनका जो थॉट है, उनका जो वर्क है, उसमें जो है स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव से उन्होंने बात किया है. मिशेल फूको टॉक्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. So first I will tell you about Foucault. Who was Foucault? Where did he belong? वो कहाँ से संबंधित थे? उनका work क्या था? जिसे आप कह सकते हैं biographical study. पहला जो point होगा वो biographical study होगा. पूरा नाम क्या है? Paul Michel Foucault. एक नाम आपको ये ध्यान में रखना है. P-A-U-L, Paul Michel, M-I-C-H-E-L, Foucault, F-O-U-C-A-U. एल टी. कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रेंच से, मतलब फ्रांस से बिलोंग करते हैं. पॉल मिशेल फूको वाज अ फ्रेंच क्रिटिक. ही वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1926. जो पॉल मिशेल फूको है उनका जन्म 15 अक्टूबर 1926 को हुआ था. डाइड ऑन 25 जून 1984. ये उनका डेट ऑफ बर्थ भी आपको याद रखना, उनकी डेथ भी याद रखनी. क्यों? कभी कभार कुछ क्रिटिक्स दे देते हैं, उनका जन्म का क्रोनोलॉजी उनको बारे में जानने की कोशिश की जाती है. तो पॉल मिशेल फूको वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1926, डाइड 25 जून 1984, वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर, हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज, राइटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक. साथ ही साथ वो लिटरेरी क्रिटिक थे. तो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यू मस्ट नो अबाउट मिशेल, बिकॉज मिशेल फूको वाज अ लिटरेरी क्रिटिक आल्सो. अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करना चाहता हूँ. मिशेल फूको वाज बोर्न इन विच कंट्री? मिशेल फूको किस कंट्री में पैदा हुए थे? यू हैव टू गिव योर आंसर एज सून एज पॉसिबल, विदाउट डिलेइंग, विदाउट डिलेइंग. ओके, इवन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से समथिंग. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इन चैट बॉक्स. या द पीपल आर राइटिंग की फ्रांस में, दैट्स गुड, दैट्स गुड. कि ही वॉज बोर्न इन फ्रांस, आई एम सीइंग हियर. नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू नो कि जो मिशेल फूको थे, जब वो फ्रांस में पैदा हुए हैं तो उनकी डेट क्या है पैदाइश की? व्हेन वाज ही बोर्न, व्हेन वाज ही बोर्न? दैट इज 15 अक्टूबर 1926 एंड डाइड, या 15 अक्टूबर 1926, दैट्स गुड. And died on 25th June 1984. अगर आप 1984 याद रखेंगे तो भारत में भी एक बड़े जो है पॉलिटिशियन का assassination 1984 में हुआ था. That was श्रीमती इंदिरा गांधी जी का हुआ था. तो आपको जो है ये भी चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जो है इंदिरा गांधी जी का भी जो डेथ हुआ था वो यहाँ से रिलेटेड था, 1984. और मिशेल फूको जो है क्या है? फिलोसफर है, हिस्टोरियन ऑफ आइडियाज है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और लिटरेरी क्रिटिक है. क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, किस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं. कब जन्म हुआ है? 15 अक्टूबर 1926 को. कब उनका डेथ हुआ है? उनका जो डेथ हुआ है वो कब हुआ है? 25 जून 1984 को. He was a French philosopher and literary critic. ठीक है. उनका जो काम था किस चीज को लेकर के था? Foucault's theories primarily address the relationship between power and knowledge. ये एक बहुत की पॉइंट है कि जो फूको की थियरी है
वो किसके बारे में बात करती है? पावर एंड नॉलेज के बारे में बात करती है. इफ एनीवन आस्क यू द थियरी ऑफ फूको इज रिलेटेड टू, द थियरी ऑफ फूको इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू पावर एंड नॉलेज. पावर का मतलब गवर्नमेंट जो कि पावर में है, वो कैसे नॉलेज को जो है यूज करती है, या नॉलेज के लोगों पर कैसे वो रूल करती, कैसे नॉलेज का यूज मिस यूज होता है. तो जो पूरा इनका फिलोसफी है या इनका जो थियरी है वह किस पर आधारित है? रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज एंड हाउ दे आर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल. और कैसे पावर और नॉलेज का यूज किया जाता है, किसके लिए यूज किया जाता है? सोशल कंट्रोल के लिए. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. एंड हाउ दे आर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल. हाउ दे आर यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल थ्रू सोसाइटल इंस्टीट्यूशन. दो ऑफन साइटेड एज अ स्ट्रक्चरलिस्ट. उनको कैसे देखा जाता है? स्ट्रक्चरलिस्ट के रूप में. और कैसे देखा जाता? पोस्ट मॉडर्निस्ट के रूप में. तो आपको ध्यान में रखना है कि वो जो है क्रिटिक के रूप में कैसे याद किया जाता है? एज अ स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट. वेन एवर यू टॉक अबाउट मिशेल फूको, उनका जो पूरा थियरीज है इट प्राइमरली एड्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज, पावर और नॉलेज को लेकर के. एंड हाउ दीज थिंग्स आर यूज फॉर वॉट? जस्ट टू सोशल कंट्रोल, जो सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस है. एंड व्हाट इज सोसाइटल इंस्टीट्यूशन? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है, उन सब पे कैसे गवर्नमेंट जो है उनको अपने अंडर में लेती है और कैसे अपनी बात मनवाती है लोगों से. तो एक तो फूको के कहा जाता है तो पोस्ट मॉडर्निस्ट है, लेकिन फूको ने सारे लेबल को रिजेक्ट कर दिया. नीदर ही वाज अ स्ट्रक्चरलिस्ट नॉर पोस्ट मॉडर्निस्ट, बल्कि उससे भी आगे बढ़ते रहे. हिज थॉट हैज इन्फ्लुएंस्ड एकेडमिक्स, स्पेशली दोज वर्किंग इन कम्युनिकेशन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थियरी, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल थियरी. तो यू विल कम टू नो उनका वर्क इतना बड़ा रहा है कि जो भी इन फील्ड में काम करता था, कम्युनिकेशन स्टडीज में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, क्रिमिनोलॉजी में, कल्चरल स्टडीज में, लिटरेरी थियरी में, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, क्रिटिकल थियरी, हर जगह उनका प्रभाव या असर आपको देखने को मिलेगा. ये चीज आपको नोट करना है. इस पेज पर मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ. मैं जो बात कर रहा हूँ किसको लेके? पाल मिशेल फूको को बात कर रहा हूँ. फ्रेंच फिलासफर रहे हैं. बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर 1926, डाइड ऑन 25 जून 1984. और उनका जो मेन वर्क है वह क्या है? पार एंड नॉलेज के बीच का जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन पार एंड नॉलेज, और कैसे जो है ये पार और नॉलेज का यूज किया जाता है सोशल कंट्रोल के लिए, कैसे सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती है, अपने अंडर में रखती है, इसको लेकर के बात होती है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू से, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, वेन एवर यू गो विथ दीज पॉइंट, वट यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव जस्ट रिमेम्बर कि हाउ द पार्टिकुलर थिंग हैज बीन शेयर्ड, या हाउ डू यू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड नॉलेज, सोसाइटल कंट्रोल और सोशल कंट्रोल, दिस थिंग्स यू सी. नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर या विच यू हैव टू गो, द रिलेशनशिप, इसका जो असर है इनके वर्क का कितना ज्यादा है हर जगह पे, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, खास करके जेंडर स्टडीज में तो बहुत ज्यादा रहा है. उनकी जो किताब है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, क्योंकि हम लोगों ने क्वियर थियरी को पढ़ा था तो वहां से हम लोगों ने बात किया हुआ था. नाउ सेकेंड पेज में भी वही बात आ रही है कि एट अ ग्लांस में है, हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? पाल मिशेल फूको के बारे में. 15 अक्टूबर 1926 को जन्म हुआ है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, डाइड 25 जून 1984, 57 साल की
फ्रांस में इनका डेथ होता है। एजुकेशन उनका कहाँ से, बीए एमए अल्जीसिक्स, यू कम टू नो इकोली नॉर्मेली सुब्रीर या जो भी इंस्टीट्यूट रहा होगा, फाउंडेशन थायरस यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से उनका ज्यादातर चीजें। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इससे आपको पूरा वो करना होगा, क्योंकि ये उनका वर्क है, उसका पब्लिशिंग डेट है। नोटेबल वर्क क्या रहा है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961 में, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 में, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स 1966 में, डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 में, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो यूजीसी नेट के लिए आपके लिए है, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976 में। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सबसे बड़ा चीज, उनका जो रीजन था वेस्टर्न फिलॉसफी को, जो उनके पार्टनर डेनियल डिफर्ट और स्कूल जो उनका था कॉन्टिनेंटल फिलॉसफी, फ्रेंच निसेनिज्म, फ्रेंच निसेनिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब दे रहा है। इनको लेकर के हम बाद में बात करेंगे कि डेनियल डिफर्ट से क्या मतलब है, क्या मतलब है, लेकिन मैं आपकी जुब्बा से जस्ट आई गेट द पॉइंट। उनका जो किताब है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन कब पब्लिश हुआ, किस ईयर में पब्लिश हुआ मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, 1961 में सर। 1961 में, गुड। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक, द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963 में, गुड। The order of the thing, the order of things 1966, good। Discipline and punish 1975, the history of sexuality 1976। जब आप इनको बात करते हैं तो वो किन 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 दो एज को कवर करते हैं, एक तो आपका मॉडर्निज्म या स्ट्रक्चरलिज्म जिसे आप कह सकते हैं, और दूसरा पोस्ट मॉडर्निज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ये सारा चीज हमें ध्यान में रखना है। और बाकी उनका जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, दीज थिंग्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पोर्शन जो उनका वर्क है उसमें भी द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976, The history of sexuality। So you came to know about this man, उनके work के बारे में। बाकी और भी चीजें उनका दे रहा है कि हाँ क्या रहा है। उनका जो doctoral advisor रहे हैं जॉर्जेस कान गिलहम, that is another thing। उनका जो main interest था ethics, historical epistemology, history of ideas, philosophy of literature, philosophy of technology, political फिलॉसफी, ठीक है। ये जो नोटेबल आइडियाज है, यहाँ से कुछ वर्ड है जो हम लोगों को इनको कवर करने के बाद इन वर्ड पर भी बात करनी पड़ेगी, जैसे बायोपार क्या है या बायोपॉलिटिक्स क्या, ये उनके आइडियाज रहे हैं। डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस उतना ज्यादा मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन डिस्कोर्स एनालिसिस मिशेल फूको का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी मैं बात करूंगा। एक तो बायोपार पर मैं बात करूंगा, डिस्कोर्स एनालिसिस पे मैं बात करूंगा, और डिस्कर्सिव इंफॉर्मेशन भी कवर किया जा सकता है, एक वर्ड है जो उनका अपना। आर्कियोलॉजी, जेनोलॉजी और गवर्नमेंटलिटी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हेट्रोटोपिया वर्ड जो है इस पर कवर किया जा सकता है। गेजिंग है, एक्सपीरियंस पार नॉलेज है, पैनोप्टिसिज्म और सब्जेक्टिवेशन, दीज आर द वर्ड्स। कुल मिलाकर के ये जो नोटेबल आइडियाज हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये दिए गए, क्वाइन किए गए, किसके द्वारा क्वाइन किए गए, मिशेल फूको के द्वारा, या उनके वर्क में ये सारे वर्ड्स आए हुए हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि इन वर्ड्स में जो इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के परस्पेक्टिव से, जैसे बायोपार इम्पॉर्टेंट है जिसको हम बायो पॉलिटिक्स कहते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, और आर्कियोलॉजी जीनोलॉजी भी थोड़ा बहुत बात की जा सकती है, किसी लेक्चर में मैं इसे
कवर कराऊंगा कि हाँ ये चीज इम्पोर्टेंट रहा है। नाउ आफ्टर इट यू कम टू नो कि उनका और क्या चीजें उनसे जो लोग उनसे इन्फ्लुएंस थे मतलब इनसे जो इन्फ्लुएंस थे प्रभावित थे। अल्थ्यूजर एक बड़ा नाम है और इसमें आप रोला बास भी एक बड़ा नाम है आप देख सकते हैं। फ्रायड गोफमान फ्रायड है हीगेल है हेडगर है मार्क्स से प्रभावित थे इन सारे लोगों से ये प्रभावित थे ऊपर के जो नाम दिए गए। एक हमें सुनने में कुछ नहीं जा रहा है हमें नहीं मैं नहीं कहता आपको इसको पढ़ना नीचे से प्रभावित थे तो ये इनकी फिलॉसफी इनकी थियरीज इनके वर्क्स में इन लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने प्रभावित किया उनमें से एक बड़ा नाम जुडिथ बटलर का जो किताब है जेंडर ट्रबल मैंने आपको बताया था जुडिथ बटलर हो गई। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे एडवर्ड सई पोस्ट कॉलोनियल एज के अब्दुल्ला ओकालान ये कुछ नाम है जो हमें ध्यान में रखना दो तीन चार नाम की ये उनसे जुड़े हुए हैं कि लोगों ने उनको प्रभावित किया और किससे वो प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जब उनका पूरा समय जो था खास करके यूनिवर्सिटी का उनका जो टाइम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन का 1946 से 1951 तो उस समय का उनका जो एक्सपीरियंस था मिशेल फूको ने खुद 1983 में लिखा या कहा क्या उन्होंने कहा आई वॉज नॉट ऑलवेज स्मार्ट आई वॉज एक्चुअली वेरी स्टूपिड इन स्कूल। उन्होंने कहा कि मैं बहुत स्मार्ट नहीं था बल्कि स्कूल में मैं बड़ा स्टूपिड टाइप का था। ये कोटेशन अगर कभी आ जाता है कि किस आदमी का ये कोटेशन है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये खुद मिशेल फूको ने 1983 में शेयर किया ये बात उन्होंने कहा कि मैं अपने जो है स्कूल बहुत स्मार्ट नहीं था बल्कि स्टूपिड था। देयर वॉज अ बॉय हु वॉज वेरी अट्रैक्टिव हु वॉज इवन अ स्टूपाइडर देन आई वॉज कह रहे कि जो है लेकिन एक बॉय था जो बहुत अट्रैक्टिव था लेकिन वह जो क्या था स्टूपिडर जो वर्ड है कि वो एक मेरी भी तुलना में क्या था वह मुझसे कम ज्ञानी था या जिसे हम लोग कहते हैं स्टूपिड नॉनसेंस सिनिकल टाइप का तो ऐसा हम लोग वर्ड यूज करते हैं मतलब वो हमसे कम ज्ञानी था लेकिन वह फिजिकली हैंडसम था। एंड टू इनग्रेटिएट माई सेल्फ विद दिस बॉय हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल और मेरा आकर्षण उस बॉय के प्रति हुआ आई होमवर्क फॉर हिम तो उसका होमवर्क वगैरह करना शुरू कर दिया एंड दैट्स हाउ आई बिकेम स्मार्ट और इस तरह से मेरे अंदर स्मार्टेस्ट आती गई। आई हैड टू डू ऑल दिस वर्क टू जस्ट कीप अहेड ऑफ हिम अ लिटिल बिट टू हेल्प हिम इन अ सेंस ऑल द रेस्ट ऑफ माय लाइफ आई हैव बीन ट्राइंग टू डू इंटेलेक्चुअल कह रहे कि इन अ सेंस All the rest of my life, पूरे जीवन में जो है क्या किया इंटेलेक्चुअल काम करता गया थिंग्स और यह इंटेलेक्चुअल काम हुआ था दैट वुड अट्रैक्ट ब्यूटीफुल बॉयज जो ब्यूटीफुल बॉयज को जो है अट्रैक्ट कर सके। इसका मतलब ये है कि ये इनके अंदर ये जो है एक तरह से इफ आई यूज द वर्ड कि जो इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन था वह होमो था वह जो है होमो था और उनकी जो डेथ हुई थी एचआईवी एड्स से हुई थी। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना इतना शेयर करने का मेरा पर्पस यही था कि ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और पेरिस में उस समय जब इनकी डेथ हुई थी तो पब्लिकली एचआईवी एड्स से पब्लिकली मरने वालों में एक बड़ा नाम था क्योंकि एक बड़े फिगर थे इसलिए उनकी डेथ को जो है क्या किया गया मैं नहीं कहता उनकी डेथ को छुपाया नहीं गया बल्कि उनकी डेथ को तो सार्वजनिक होना ही था जिस बीमारी से डेथ हुई वो भी सार्वजनिक हुई और इस तरह की चीजें और ये उनके कोटेशन में भी होमोसेक्सुअलिटी का स्प्रिट नजर आ रहा है यहाँ पे जो है तो ये चीज आपको ध्यान 1983 में। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको ये ध्यान में और रखना है कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे लिखा था व्हाट इज एन ऑथर What is an author? और ये जो एसे था ये रोला बाथ का एक एसे है
डेथ ऑफ द आथर। एक क्वेश्चन, यूजीसी नेट के जितने लोग भी इस समय जुड़े हुए हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज एन ऑथर, ये एक ऐसे है, किसका ऐसे है? ये ऐसे मिशेल फूको का है, व्हाट इज एन ऑथर। और ये ऐसे उन्होंने किसके रिस्पॉन्स में लिखा? ये ऐसे उन्होंने रिस्पॉन्स में लिखा द डेथ ऑफ द ऑथर। द डेथ ऑफ द ऑथर किसका ऐसे है? ये रोला बास का, रोला। ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखना है और कंफ्यूज नहीं होइए। रोला बास एक क्रिटिक है जिन्होंने एक ऐसे लिखा है द डेथ ऑफ द ऑथर। और द डेथ ऑफ द ऑथर ये जो आपका क्रिटिसिज्म है या सॉरी जो क्रिटिकल ऐसे है उसके रिस्पांस में जो है रोला बास से के ऐसे के रिस्पांस में मिशेल फूको ने लिखा हु इज एन ऑथर, हु इज एन ऑथर, सॉरी व्हाट इज एन ऑथर, नॉट हु, व्हाट इज एन ऑथर। तो व्हाट इज एन ऑथर, द डेथ ऑफ द ऑथर, व्हाट इज एन ऑथर, इट्स अ क्रिटिकल एसे ऑफ मिशेल फूको, और द डेथ ऑफ द ऑथर इट्स अ क्रिटिकल एसे ऑफ रोला बास। व्हाट इज एन ऑथर, फ्रेंच में उसका नाम दे रहा, दैट इज अनदर थिंग, इज अ लेक्चर ऑन लिटरेरी थियरी, कह रही व्हाट इज एन ऑथर या क्रिटिकल एसे भी है और यह एक लेक्चर है लिटरेरी थियरी पर, गिवेन एट द सोसाइटी Prenkaise di Philosophy on 22nd February 1969। ये डेट आपको याद करना बहुत जरूरी है, 22 फरवरी 1969 ईस्वी को ये लेक्चर जो है एक यूनिवर्सिटी में डिलीवर किया गया। किसके द्वारा डिलीवर किया गया? मिशेल फूको के द्वारा डिलीवर किया गया। किसके द्वारा? मिशेल फूको के द्वारा। और उस लेक्चर में ये बात आती है सामने, कौन सी बात चीजें बात आती है कि अब वो जो है थियरी को या टेक्स्ट को ऑथर से के पर्सपेक्टिव से देखना चाहते थे। तो आपको मैं बता दूं ये जो दो ऐसे है व्हाट इज एन ऑथर और द डेथ ऑफ द ऑथर, इन दोनों ऐसे में फर्क यही है कि व्हाट इज एन ऑथर में ऑथर को इम्पोर्टेंस दिया गया, द डेथ ऑफ द ऑथर में जो है ऑथर को का इम्पोर्टेंस कम कर दिया गया, बल्कि उसकी जगह टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दिया गया। तो द डेथ ऑफ द ऑथर जो ऐसे किसका? रोला बास का है। व्हाट इज एन ऑथर किसका है? मिशेल फूको का है। मिशेल फूको ने व्हाट इज एन ऑथर जो है इसको लेक्चर के रूप में पहले उन्होंने 22 फरवरी 1969 को डिलीवर किया था। और इस ऐसे में क्या बताया गया? द वर्क कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर टेक्स्ट एंड रीडर। बस यही चीज आपको ध्यान में रखना, ये जो क्रिटिकल ऐसे है व्हाट इज एन ऑथर, इसमें ये बताया गया कि ऑथर के बीच में, टेक्स्ट के बीच में और रीडर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। What is the relationship between author, text and reader? This is the point. It's a very significant point. Ki what is the relationship between author, text and reader? और उन्होंने बताया कि author क्या है? The author is a certain functional principle by which in our culture one limits, excludes and chooses. ये चीज आपको learn करना पड़ेगा। ये statement है किसका? मिशेल फूको का है। वो कहते हैं कि जो author है या एक सर्टेन फंक्शनल प्रिंसिपल है, ऑथर एक पूरा सिद्धांत होता है, उसका अपना विचार होता है, उसका अपना सिद्धांत होता है, और यह कहाँ पे हमारे कल्चर में है और हर जगहों पर, उसको आप कहीं से भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं कि एक्सक्लूड एंड चूज। द ऑथर इज देयरफॉर द आइडियोलॉजिकल फिगर। ऑथर क्या है? एक विचारधारा है, वह एक आइडियोलॉजिकल फिगर है। ऑथर कोई पर्सन अकेले नहीं कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया। ऑथर जो है एक विचार है, एक आइडियोलॉजिकल फिगर है, बाय विच वन मार्क द मैनर इन विच वी फियर द प्रोलिफिरेशन ऑफ मीनिंग। कह रहे कि और जो है जो ऑथर है यह बहुत कुछ हेल्प करता है हमें मीनिंग को समझने में, मीनिंग को जानने में। अगर कोई टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट में या कोई अगर ऐसे लिख ऐसे में हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑथर की लाइफ उस टेक्स्ट टेक्स्ट के किसी हिस्से में हो। जैसे अगर आपने ड्रीम चिल्ड्रेन ऐसे पढ़ा, चिल्ड्रेन ऐसे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि चार्ल्स लैम की लाइफ, उनकी एज के बारे में, उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में आपको जानकारी ना हो। वह ऐसे वह किस पर है? ऑटोबायोग्राफिकल स्टडी, बायोग्राफिकल स्टडी। तो आप कहीं से नहीं कह सकते कि आपको टेक्स्ट को खत्म करना, यू कांट किल द टेक्स्ट, टेक्स्ट को किल नहीं किया जा सकता, मतलब ऑथर को किल नहीं किया जा सकता। जब भी टेक्स्ट को आप उस ऐसे को समझेंगे तो उस ऐसे को ऑथर की लाइफ से जोड़ करके
वो करना पड़ेगा। लेकिन जो है जो मिशेल फूको के लेक्चर के जवाब में, पहले मिशेल फूको ने लिखा था, बाद में रोला बास ने लिखा था, मिशेल फूको के लेक्चर के जवाब में रोला बास लिखते हैं कि द डेथ ऑफ द आथर, आथर मर जाता है, आथर की कोई वैल्यू नहीं है, आथर के द्वारा लिखा गया टेक्स्ट ही सब कुछ है, और जरूरी नहीं कि जो आथर के द्वारा लिखा गया टेक्स्ट हो उसको समझने के लिए हम आथर की जिंदगी में ताक झांक करें। तो अभी आपको क्या बताया गया, रिलेशनशिप बिटवीन आथर टेक्स्ट एंड रीडर। अगर मैं थोड़ा सा आपको समझना चाहूँ, एक अगर मैं ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में सेंटर में टी माने टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट को लिखने वाला कौन है क्या डब्लू या ए आथर हो गया, और इस टेक्स्ट को पढ़ने वाला कौन है क्या आर रीडर हो गया। ये जो ट्राइंगल है ये कभी अलग नहीं हो सकता, हमेशा इन तीनों की परिधि में ही पूरा चीज आपका घूमता रहता है। जब भी आप मीनिंग निकालेंगे, मीनिंग समझेंगे, तो टेक्स्ट का, आथर का और रीडर का रिलेशनशिप होता है, इनमें से किसी को आप कम करके टेक्स्ट को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन मिशेल फूको ने अपने ऐसे आथर में, व्हाट इज एन आथर में, आथर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और जो रोला बास थे उन्होंने अपने ऐसे द डेथ ऑफ द आथर में आथर को निग्लेक्ट किया और टेक्स्ट और रीडर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन जब मिशेल फूको से पूछा गया आथर क्या है, तो उन्होंने कहा आथर जो है आइडियोलॉजिकल फिगर है, द आथर इज देयरफॉर द आइडियोलॉजिकल फिगर, वह एक वैचारिक, आइडियोलॉजिकल का मतलब एक वैचारिक या एक विचार है जो एक शख्सियत के रूप में झलकता है, और उसका विचार टेक्स्ट में होता है और हमें प्रभावित करता है किसी न किसी तरह से। तो मैं थोड़ा सा आपका रिस्पॉन्स जानना चाहता हूँ कि जो मैं आथर या द डेथ ऑफ द आथर का जो मैं कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, क्या ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं? अनिता का क्लियर है, मंजू यस क्लियर है, सुमन का भी क्लियर है, रीमा का भी क्लियर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर रिस्पॉन्डिंग, हाँ चीजें क्लियर है। ये चीज थोड़ा सा उनके क्रिटिसिज्म का भी हिस्सा था, इसलिए मैंने आपको ये चीज जो लेने की कोशिश की कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इसको। और ये पूरा टेक्स्ट जो क्रिटिकल एसे है व्हाट इज एन आथर, ये आपको समझना है 22 फरवरी 1969 को मिशेल फूको का द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। दो चीजें आपको ध्यान में रखनी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, उनका डेथ, उनका लाइफ, ये सब चीजें। उनका डेथ कैसे हुआ, एचआईवी एड्स से हुआ था, और उनके अपनी लाइफ में हमें तांग झांक नहीं करना, जो भी उनकी लाइफ थी चूंकि वो सिलेबस में है इसलिए हमें पढ़ना है। और अब जो बात होनी है वो उनके टेक्स्ट को लेकर के, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी को लेकर के होनी है। और अगर आप देखेंगे ये जो उनका टेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में उन्होंने क्या बताया है। जो द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी है ये तो उसका फ्रेंच नेम हो गया, ये कितने वॉल्यूम में, 4 वॉल्यूम में, इट्स इन 4 वॉल्यूम, आपको ये ध्यान में रखना है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी उनका जो टेक्स्ट है, जो किताब है, कितने वॉल्यूम में, 4 वॉल्यूम है, और इसमें क्या बताया गया, स्टडी ऑफ सेक्सुअलिटी को जिक्र किया गया कि दुनिया में या खास करके वेस्ट में, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है सेक्सुअलिटी कैसे रही है, उसको लोगों ने कैसे देखा है, उस पर लोग क्या उनका बात है, उनका क्या नजरिया है उसको लेकर के। तो द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी इट्स अ बुक 4 वॉल्यूम में है, इसमें किसको लेकर के स्टडी हुआ है, सेक्सुअलिटी को इन द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन एंड फिलासफर मिशेल फूको के द्वारा हुआ है। In which the author examines the emergence of sexuality, जिसमें author examine करता है किसके बारे में, sexuality कैसे उसका emergence हुआ, sexuality के emergence का simple सा मतलब है, और क्या sexuality के emergence का, कि how sex, sexuality, gender has been taken, और कैसे इसको एक रूप दिया गया, कैसे इस पर बात हुई जो है। As a discursive project and separate spheres of life and argues that the notion that every individual has a sexuality is a relatively recent development in Western society. उन्होंने बताया, एक अच्छी बात उन्होंने बताई कि जो सेक्सुअलिटी का वेस्ट में नोशन है वो भी वक्त के साथ साथ उस पर लोग फ्रैंक हुए, बात हुई,
और हर आदमी का एक इंडिविजुअल ओपिनियन है सेक्सुअलिटी को लेकर के, उसका विचार हो सकता है, उस पर बातें होनी चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। और ये किताब कितने वॉल्यूम में? 4 वॉल्यूम में। तो जो पहला वॉल्यूम है उसका नाम है द विल टू नॉलेज। ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपको याद होगा द वेस्ट लैंड 5 सेक्शंस में है, और उसमें कभी कभार कई बार दिया गया है कि पांचों सेक्शन का मैचिंग दिया जाता है कि आप इसकी मैचिंग करिए, पहला सेक्शन कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पांचवा कौन, उसका टाइटल क्या है। ऐसे ही जो ये आपका बुक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, उसमें जो पहला वॉल्यूम है उसका क्या नाम है, द विल टू नॉलेज। ये कब पब्लिश हुआ? वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1976। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, द विल टू नॉलेज वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1976। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कब हुआ था? 1978 में। फ्रेंच में पहली बार आया है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन 1978 में हुआ है। दूसरा जो वॉल्यूम है उसका नाम है द यूज ऑफ प्लेजर एंड द केयर ऑफ सेल्फ, एंड द केयर ऑफ द सेल्फ। ये कब पब्लिश हुआ है? 1984 में। जो फोर्थ वॉल्यूम है जिसका नाम है द कन्फेशंस ऑफ द फ्लेश, ये कब पब्लिश हुआ है? वाज पब्लिश उनके मरने के बाद जो है 2018 में। 18 का मतलब अभी हाल ही में, 18 बहुत ज्यादा नहीं गया। मैं फिर से आपको ये बताना चाहूंगा, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी जो किताब है ये कितने वॉल्यूम में है? 4 वॉल्यूम में है। ये किताब कब आई है? 1976 में आई है। किस भाषा में? फ्रेंच में आई हुई है। और ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन कब शुरू हुआ? 1978 से शुरू होता है। ये जो किताब है, ये जो 4 वॉल्यूम में है, उसमें से पहले वॉल्यूम का टाइटल है द विल टू नॉलेज करके, दूसरे वॉल्यूम का टाइटल है द यूज ऑफ प्लेजर, तीसरे वॉल्यूम का टाइटल है द केयर ऑफ द सेल्फ, और जो चौथा वॉल्यूम है जिसका नाम है कन्फेशंस ऑफ द फ्लेश, ये 2018 ईस्वी का। हमें इस तरह इन सब चीजों को समझना। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी को लेकर के, आप देख रहे हैं उस पे पूरा का पूरा दिया गया है आर्थर मिशेल फूको। ओरिजिनल टाइटल क्या है? हिस्टोरी डी ला सेक्सुअलिटी, फ्रेंच में है। ट्रांसलेटर कौन रहे हैं? रॉबर्ट हार्ली। फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेटर, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेटर रॉबर्ट हार्ली रहे हैं। कंट्री फ्रांस में पब्लिश हुई है, लैंग्वेज फ्रेंच में रही है। सब्जेक्ट क्या इसका रहा है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी, जो ह्यूमन सेक्सुअलिटी का हिस्ट्री है उसको लेकर के उन्होंने बात किया। हम सबको एक किताब पढ़ना चाहिए, जो लोग जेंडर स्टडीज पे आगे आने वाले समय में काम करेंगे उनको ये पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए जेंडर स्टडीज वालों को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी। पब्लिशर कौन से थे? एडिशंस गैलीमार्ट। कभी कभार पब्लिशर का भी, खास करके मैंने देखा था कोई एक कंपटीशन हुआ था एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन में, कुछ चीजें उसमें पब्लिशर को भी लेकर के, और यूजीसी नेट में भी एक आध बार पब्लिशर को लेकर के आया हुआ है। तो इसके जो पब्लिशर है कौन है? एडिशंस गैलीमार्ट। ये सब चीजें ध्यान में रखना है। पब्लिकेशन डेट, पहला वॉल्यूम 1976 में, दूसरा वॉल्यूम 1984 में, तीसरा वॉल्यूम 1984 में, और चौथा वॉल्यूम 2018 में। और इंग्लिश में कब पब्लिश हुआ है? 1978 में पहला वॉल्यूम आया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन है, इसमें रटने वाली चीज है, कोई दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाया जा सकता है कि क्या है कैसे है। जैसे ट्रांसलेटर रॉबर्ट हार्ली आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी ओरिजिनली किस लैंग्वेज में, फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज में है, 4 वॉल्यूम में। फ्रेंच का जो है पब्लिकेशन डेट ये आपको बता दिया गया, 1976, 1984, 1984, 2018। और इंग्लिश में जो पब्लिश हुआ है पहला वॉल्यूम 1978 में पब्लिश हुआ है। ये सब डिस्कस किया जा चुका, वही चीज रिपीट हो चुका है, यहां से आपको समझना है। इंग्लिश में जो पब्लिश हुआ पहला वॉल्यूम 1978 में, दूसरा वॉल्यूम 1985 में, तीसरा वॉल्यूम 1986 में, और चौथा वॉल्यूम जो अभी पब्लिश हुआ इंग्लिश में वो 2021 में हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल पहले जो है आया हुआ है यहाँ तक। मीडिया टाइप ये सब तो है, हार्ड कवर में भी है, पेपर बैक में भी है। जो पहला वॉल्यूम है इतने पेजेस उतने पेजेस से हमें कोई मतलब नहीं है, जो उसका ISBN नंबर ये सब दिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। बाकी ये चीजें बताया गया कि वॉल्यूम फर्स्ट में उन्होंने क्या बात किया, वॉल्यूम सेकंड में उन्होंने क्या बात किया। मैं
खैर मैं थोड़ा बहुत इस पे बात करूंगा। यहाँ से हम लोगों के लायक बहुत ज्यादा चीजें नहीं, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन वॉल्यूम फर्स्ट फूको क्रिटिसाइजेस रिप्रेसिव हाइपोथेसिस, द आइडिया दैट वेस्टर्न सोसाइटी सप्रेस सेक्सुअलिटी फ्रॉम द 17th टू द मिड 20th सेंचुरी ड्यू टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड बुर्जुआ सोसाइटी। वॉल्यूम फर्स्ट में उन्होंने ये बताया है, वो क्रिटिसाइज करते हैं रिप्रेसिव हाइपोथेसिस को लेकर के, और उनका ये कहना है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो कहती है द वेस्टर्न सोसाइटी सप्रेस्ड सेक्सुअलिटी, उसने सेक्सुअलिटी को दबाया, कब से लेकर के दबाया, 17वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक, कैपिटलिज्म और बुर्जुआ सोसाइटी के आने पर बहुत कुछ सेक्सुअलिटी को लेकर के बातें काबू ही दबाया गया। फूको आर्ग्यूज दैट डिस्कोर्स ऑन सेक्सुअलिटी, ये चीज जरूर आपको ये वर्ड ध्यान रखना, डिस्कोर्स ऑन सेक्सुअलिटी, डिस्कोर्स फूको का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्कोर्स का मतलब होता है विमर्श, बातचीत किया जाए, सेक्सुअलिटी पे बातचीत कब से शुरू हुआ, इनफैक्ट प्रोलिफेरेटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यूरिंग विच एक्सपर्ट बिगन टू एग्जामिन सेक्सुअलिटी इन अ साइंटिफिक मैनर इनकरेजिंग पीपल टू कन्फेस देयर सेक्सुअल फीलिंग्स एंड एक्शन। According to Foucault, in the 18th and 19th century, society took an increasing interest in sexualities that did not fit within the marital bond. The world of provision that includes. इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मैं बहुत ज्यादा बात करूं, और एक वर्ड यहाँ पे the criminal, हाँ, the world of provision that includes the sexuality of children, the mentally ill, the criminal and the homosexual. All these things you find, and the homosexual, while by the 19th century sexuality was being readily explored both through confessions and scientific inquiry in volume 2nd and volume 3rd. Foucault addresses the role of sex in Greek and Roman antiquity. उन्होंने चूंकि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो सेक्स का जो हिस्ट्री है रोम में कैसे था, ग्रीक में पहले वो कैसे था, उधर के जो फिलासफर थे बड़े बड़े उनकी क्या ओपिनियन है, वेस्ट में आया तो कैसे हुआ, 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक सेक्सुअलिटी का क्या मापदंड था, होमोसेक्सुअलिटी को क्या कोई इंपॉर्टेंस दिया गया, उस पर बात होती थी या नहीं होती थी, इन सब चीजों को भी लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। द बुक रिसीव्ड अ मिक्स्ड रिसेप्शन विद सम रिव्यूअर्स, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना आपको समझना है कि वॉल्यूम फर्स्ट में उन्होंने क्रिटिसाइज किया रिप्रेसिव हाइपोथीसिस को लेकर के। पार्ट वन, हाँ, इसमें मैं जो बताना चाहता हूँ टाइटल आपको बताना चाहता हूँ, ये पहले भी आपको पता है, पार्ट वन का जो टाइटल है पार्ट वन में वी अदर विक्टोरियन, पार्ट वन में ये टाइटल है, एक टाइटल क्या वी अदर विक्टोरियन, विक्टोरियन एज को लेकर के, पार्ट टू द रिप्रेसिव हाइपोथीसिस, ये जो पार्ट वन का था ये दो टाइटल, और भी टाइटल रहा होगा लेकिन हमने ये आपको बताया कि ये पार्ट वन में ये टाइटल है द रिप्रेसिव हाइपोथीसिस। वॉल्यूम सेकंड का क्या नाम है, द यूज ऑफ प्लेजर, उसको लेकर के उन्होंने बात किया है, आप इसको अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, मैं केवल टाइटल पे ही फोकस कर रहा हूँ जहां जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें रही है। वॉल्यूम थर्ड का क्या नाम है, द केयर ऑफ द सेल्फ, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। वॉल्यूम फोर्थ का क्या नाम है, कन्फेशंस ऑफ द फ्लेश, और जो पब्लिकेशन हिस्ट्री है अभी मैंने आपको बताया ही कि थ्रू थ्री वॉल्यूम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी वर पब्लिश बिफोर फूकोस डेथ इन 1980, और फूको के मरने से पहले तीन वॉल्यूम आ चुका था। द फर्स्ट वॉल्यूम द विल टू नॉलेज नोन एज एन इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश हिस्ट्री डी ला सेक्सुअलिटी वाज पब्लिश इन फ्रांस इन 1976 और ट्रांसलेटेड 1977, फोकसिंग ऑन, इस तरह से उसको लेकर के बात हुई है, और मुझे कोई खास बात नहीं करनी, ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो सब अपनी जगह है। लास्ट में हाउएवर फूकोस डेथ लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट एंड द पब्लिकेशन वाज डिलेड ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फूकोस स्टेट, द वॉल्यूम वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड अ कॉपी वाज हेल्ड इन द फूको आर्काइव, इट वाज एडिटेड एंड फाइनली पब्लिश्ड इन फेब्रुअरी, ए फोर्थ वॉल्यूम की बात हो रही है। तो यू केम टू नो अबाउट मिशेल फूको, यू केम टू नो अबाउट हिज वर्क, यू केम टू नो अबाउट द डेथ ऑफ द ऑथर, यू केम टू नो हु व्हाट इज एन ऑथर, यू केम टू नो द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी और उनका पूरा का पूरा एचआईवी एड्स से कैसे और होमोसेक्सुअलिटी आदि से क्यों, क्योंकि क्वियर थियरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल, उसी पर्सपेक्टिव में मैंने बात किया और कई क्वेश्चंस मिशेल फूको को लेकर के आते हैं। तो इतना सारा चीजें थी,
मैंने इस पे बात कर लिया है। मैं मंडे को जब आपसे मिलूंगा तो मैं जुडिस बटलर पर बात करूंगा और जुडिस बटलर को जो है लेकर के हम कुछ ना कुछ करें। थैंक्स फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी एंड लिसनिंग मी विद ओपन हार्ट एंड माइंड, एंड आई थिंक कि नाउ यू बिकेम एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट फूको, फूकोस फिलोसफी, फूकोस थियरी एंड फूकोस कॉन्सेप्ट, द डेथ ऑफ द व्हाट इज एन आत्मा, रोला बास का द डेथ ऑफ द आत्मा एंड आल्सो हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी एंड बायोग्राफिकल स्टडी। थैंक यू मंजू, थैंक यू सुमन, थैंक्स रणवीर, थैंक्स श्वेता, थैंक्स नीता, आरिफा, मानवी, सुमन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स ऑल द पीपल, ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स हु ज्वाइन दिस सेशन, थैंक्स मनीषा, मीट यू ऑन मंडे, ओके।